हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैज कोचिंग सेंटर बनाला। आई होप गाइस यू आर वेल। गाइस जिम्मे कि तुम्हें पता ही है, थोनू मेरे इस चैनल से एन टी डी कोर्स रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, तो एन टी डी कोर्स रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो वीडियोज़ मिल रही हैं। अगर गाइस तुसे भी एन टी डी का गवर्नमेंट एग्जाम फिल किया हो अज तक तुम कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो तुम अज ही एन टी डी के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर गाइस तुम फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो से विजिट किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब करो, तो मेरे वीडियो में लाइक करो, तो मेरी वीडियो शेयर करो। चलो गाइस आज की आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो अपने को अपने को सैक्शन डी ते है, ठीक है जी। सैक्शन डी है थोड़ा 20 मार्क्स का आना वा, ठीक है जी। और अपने को जो मॉक टेस्ट नंबर 4, अगर गाइस तुम मान लो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो पहला वाली वीडियो देखना चाहते हो, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऑल वीडियोज की जो लिंक की है प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है जी। तुम प्लेलिस्ट जाके भी चैक कर सकते हो, उत्थे कि अपने को मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 की वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर दी गई ने, तो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है जी। चलो अज की आप वीडियो स्टार्ट कर दिए। मॉक टेस्ट नंबर 4 अपना टॉपिक है जी, रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डिवेलपमेंट, ठीक है जी। रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डिवेलपमेंट, उस रिगार्डिंग अच्छा आप इंपॉर्टेंट जो MCQs ने वो करेंगे। ओके गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट कर दिए आप। हाँ जी, देखते हैं जी अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की है। कहते हैं बच्चों की भी सेहत और शरीरक विकास उसके संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। एक कथन अपने को जो एक कथन है कि कहते हैं, कहते एक कथन की है सच्चा का झूठ। अपने को देखो जी, तो मीनिंग की कहते हैं बच्चों की, अपने को फिर तो रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, बच्चों की सेहत और शरीरक विकास उसके संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कथन झूठ है, क्योंकि शरीरक विकास किसी भी तरह ना दूजे खेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है जी। ऑप्शन बी अपने को की है जी, गलत हो सकता है क्योंकि शरीरक विकास में भिन्नतावान होंदियां, या फिर अपने को ऑप्शन जी सी आ की कहते हैं सच है क्योंकि शरीरक विकास अपने को विकास क्रम सब तो उपर होंदा है, या ऑप्शन डी सच है क्योंकि शरीरक विकास दूसरे खेत्र के विकास ना संबंध रखता है। तो गाइस यदा आंसर की आऊगा, तुम अपनी आंसर की बनानी है, पहला की वीडियो की तरह ही तुम अपनी एक नोटबुक से पेन जरूर उठा लियो, तो तुम्हें जोड़ा आंसर सही लगता अपना आंसर की है नोट करना। नेक्स्ट नंबर 2 की कहते हैं मानसिक विकास की उपचारक क्रियात्मक अवस्थावां की विशेषता है। आ मूर्त चिंतन, मूर्त हो गया जी, समाजिक चिंतन हो गया, या फिर अपने को अगे की है लास्ट ऑप्शन डी की है जी, आत्म केंद्रित व्यवहार की ऑप्शन है जी, यदि तुम चैक करनी है तो अपना आंसर देना। नेक्स्ट नंबर 3, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है, किसकी है जी, माता पिता अते शिक्षक दोवां दी, या फिर समाजिक अते सभ्याचारक कारकों की, या फिर अपने को जी ऑप्शन नंबर जी अपने को 3 है जी, ये की लिखा हुआ वंशक्रम अते वातावरण दोनों की, या केवल अध्यापकों की आंसर है जी। नेक्स्ट नंबर 4, हेठ लिखिया विचों केड़ा बाल विकास का सिद्धांत है, केड़ा जी अपने को परिपक्वता अते अनुभव दे विच अंतर क्रिया के कारण विकास होता है, या फिर अनुभव विकास का एकमात्र निरात्मक है, या फिर विकास पुनर्वलन अते दंड द्वारा निर्धारित होता है, या फिर विकास हरेक बच्चे की गति की सही भविष्यवाणी कर सकता है। तुम वीडियो नू पाउज करके भी दोबारा क्वेश्चन पढ़ के अपना जो आंसर करैक्ट लगाना वा, तो अपनी आंसर की बनानी है। अगे देखते जी नंबर 5, हेठ लिखिया विचों केड़ा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता, केड़ा जी अपने को अधिगम हो गया, वाधा हो गया, उपलब्धि हो गया, या अपने को सभ्याचार हो गया, की आंसर है जी। नेक्स्ट नंबर 6, पूर्व बाल अवस्था विच बौद्धिक विकास ना संबंधित नहीं है, की संबंधित नहीं है जी, एकाग्रता की अवधि विच वाधा, वातावरण का अन्वेषण, या फिर अपने तार्किक अवधारणा की व्याख्या, या फिर अपने को अतीत वर्तमान अते भविख दे विच भेद, अतीत हो गया जी, वर्तमान हो गया, जब भविख दे विच अपने को की भेद है, की आंसर है जी, यदा तुसी नोट करना वा। नैक्सट देखो जी अपने को क्वेश्चन नंबर 7, शिशु अवस्था के दौरान हेठ लिखिया विचों किस का ज़्यादा वाधा होंदा है, हाथ का जी, पैर का, सिर का, या उंगलों का, किस चीज़ का ज़्यादा वाधा होंदा वा, तुसी उस चीज़ की नोट करनी है। नैक्सट नंबर 8, हेठ लिखिया विचों केड़ा कथन विकास के संबंध में सच है, केड़ा कथन है जी अपने को, इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, या फिर यह प्रकृति विच मात्रात्मक अते गुणात्मक दोवें है, या फिर अपने को ऑप्शन डी, ए पूर्ण रूप न असीमित है, या फिर अपने को
ऑप्शन डी। तो डी विच राजे अपने को चार ऑप्शन ने इतने तक डी तक ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ते ऑप्शन डी इहदे विचों सही आंसर की है जी तुसीं नोट करना। नैक्सट देखो गाइज अपने को क्वेश्चन नंबर की है जी 9। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 गाइज एक मिस प्रिंट हो गया सी सॉरी। इहदे विच की है जी बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में माता पिता एक भूमिका निभाते हैं की भूमिका जी अपने को सद्भावना पूर्ण हो गया उदासीन हो गया ऋणात्मक हो गया या फिर महत्वपूर्ण हो गया कि भूमिका जी तुम्हें आंसर की है नोट करना। नैक्सट नंबर 10 शिशु काल में बच्चा निर्देशित होता है परिपक्ता नाल प्रवृत्ति नाल सिक्ख्या नाल जा अधिगम अते सहज ज्ञान नाल की दे नाल हुंदा जी अपने कोल। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सब तो वधिया तरीका है की तरीका जी सवेर की सभा में नैतिक गलों उत्ते भाषण देना जो ऑप्शन बी विद्यार्थियों के लिए एक परिस्थिति पैदा करना ते उसनू फैसला लेने लिए कहना जो ऑप्शन सी अध्यापक अते बालकों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना जो ऑप्शन डी विद्यार्थियों नू नैतिक अते अनैतिक दे बारे विच अंतर दसना की ऑप्शन सही है जी। अगे देखो जी नंबर क्वेश्चन नंबर 12 MCQs अपना 12 है जी तुम्हें आंसर की है नोट ही नोट करनी है तो अपनी आंसर की बनानी है तो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें आंसर की है प्रोवाइड करूँगी। देखो जी क्वेश्चन नंबर अपने को 12 की कहते हैं जी वाधे और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करो की है जी अपने को गलत कथन वाधा अपने को मात्रा वाधा जो अपने को मात्रात्मक बदलावों वाल संकेत करता है जबकि इसका जो विकास न संबंध गुणात्मक बदलावों नाल है जहाँ अपने को ऑप्शन बी वाधा वातावरण का कार्य है या फिर अपने को ऑप्शन सी विकास के बिना वाधा संभव नहीं है तो वाधे के बिना विकास संभव नहीं है जो ऑप्शन डी वाधा आंतरिक अते अनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित किया होता वा की ऑप्शन है जी का अपने को। अगे देखो जी ऑप्शन अगे क्वेश्चन अपने को 13 व्यक्तिगत रूप में अपने को व्यक्तिगत रूप में अपने को विद्यार्थी एक दूजे तो भिन्न होंगे हैं की होंगे ने जी वाधा के विकास के सिद्धांत जो विद्यार्थी ने अपने को कद तो भिन्न होंगे ने वाधा के विकास के सिद्धांत ना विकास की दर ना विकास का क्रम या विकास के लिए साधारण समर्था पद्धर से बच्चे अपनी वास्तविक योग्यतावान पहचानना की आंसर आऊगा जी डी तक तुम वीडियो में पाउज करके आंसर तीन दिन पढ़ सकते हो तो की आंसर आऊगा तो उस तो बाद नोट करना वा। नैक्सट नंबर 14 शुरू कर देंगे हैं और उसकी तुलना दूजों के कौशलों तो भी कर लगता है कि है जी अपने को स्कूल तो पहला प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल या अपने को मध्य बालक अवस्था की आंसर है जी। आप फिर तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर देंगे हैं और उसकी तुलना दूजों के कौशलों तो भी कर लगता है कौन मैंने कर लगता वा स्कूल तो पहला हो गया जी उस तो बाद अपने को प्राथमिक हो गया जी माध्यमिक हो गया जी या मध्य बालक अवस्था च हो गया की आंसर है जी। अगे नंबर 15 शिशु प्रेम भोजन आराम अधिगम की लोड़ों पूरा करने के लिए तो निर्भर होंगे स्कूल से या फिर अपने को साथी ते जी हो गया माता पिता से हो गया या दादा दादी से हो गया की आंसर है जी। नैक्सट देखो जी गाइज आप 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं थोड़े क्वेश्चन टफ से लैवल थोड़ा टफ से बट आई होप तुम्हें मेरी आंसर की बना ली होनी है तो आप हम देखते हैं जी इन्हों आंसर की भी तुम्हें किन्ने मार्क्स की ऑबटेन किए ने। देखो जी अपने को क्वेश्चन ए क्वेश्चन वन का अपने को ऑप्शन की है जी डी क्वेश्चन अपने टू का ऑप्शन है जी ए 3 की अपने को सी नंबर 4 की अपने को ए नंबर 5 की सी नंबर 6 की अपने को सी नंबर 7 की बी नंबर 8 की अपने को सी अगे देखते जी नंबर 9 की डी नंबर 10 की बी नंबर 11 की सी नंबर 12 की सी नंबर 13 की बी नंबर 14 की बी नंबर 15 की सी। आई होप गाइज तुम्हें वीडियो वधिया लगी 50 तुम्हें किन्ने मार्क्स अबटेन किए तो मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो तो मेरी वीडियो अगर वधिया लगी तो मेरी वीडियो में लाइक जरूर करना तो मेरी वीडियो शेयर करना और गाइज अगर तुम मान लो अपने को सिलेबस के रिगार्डिंग PDFs लेना चाहते हो तो उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओ तो उत्थे जाके मेरा की है टैलीग्राम ग्रुप की है ज्वाइन करो ठीक है जी। तो मैंने जो पार्ट अपने को भी फुल PDFs की है मिल जाएगी तो इस अलावा इंग्लिश लैंगुएज की होगी अपने को अदर जो PDFs ने मैं शेयर कर रखी ने तुम उतों जाके PDF की डाउनलोड कर सकते हो तो अपने को जो नोट्स ने प्रिंट आउट करवा के अपनी प्रैक्टिस की कर सकते हो। अगर गाइज तुम्हें लगता है मेरा टैलीग्राम ग्रुप कई बार नहीं मीनिंग थोड़े तो ज्वाइन होंगे तो तुम सिंपल टैलीग्राम से जाके अपने को @government2 सर्च करो तो उत्थे जाके तुम्हें एंटिटी का ग्रुप की मिल चुका उस ग्रुप में की ज्वाइन करना।
ओके गाइस, बाय बाय।